नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम विडोगरा, सोलेंसोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का वीडियो अपना खास होने वाला है क्योंकि आज हम दीपावली के बारे में डिस्कस करेंगे। दीपावली बहुत ही पवित्र त्यौहार है और दीपावली बहुत ही धूमधाम से हमारे भारत में मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि दीपावली के दिन, हम सुनते भी आए हैं प्राचीन कालों से ये चला आ रहा है कि श्री राम जी जब 14 साल कंप्लीट करके अयोध्या आए थे, अयोध्या वासियों ने बहुत धूमधाम से घी के दीपक जलाए थे, तभी से दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कलयुग में माता लक्ष्मी ही ऐसी देवी है कि जो वो पूरी तरह से सबको भौतिक सुख देती है। ज़्यादा करके इंसान पूजा क्यों करता है? वो अपने स्वार्थ के लिए करता है क्योंकि कलयुग चला रहा है। कलयुग की वजह से हर इंसान चाहता है कि उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे पैसे की ज़रूरत है या अगर इंसान बीमार पड़ जाए तो ही वो भगवान को याद करता है। सही मायने में कहा जाए, अगर हम नियमित रूप से पूजा करें, भगवान को नियमित रूप से हम याद करें, तो हमें कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आएगा ही नहीं। लेकिन आजकल लोग इतने लाइफ में अपने बिजी हो गए हैं, पूजा पाठ करने का उन्हें वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है। जब उनके ऊपर कोई दुख आता है तभी वो भगवान को याद करते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता, उनकी अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो कभी भी हमें निराश नहीं करती है। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे साथ रहती है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस, कार्तिक मास, उस दिन हम भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। दूसरे दिन नरक चतुर्थी होती है, उस दिन हम यमराज जी की पूजा करते हैं। तीसरे दिन हम दीपावली मनाते हैं और ये अमावस के दिन मनाते हैं। उस दिन सब घर में दिए ज्योत लगती है, भगवान को, लक्ष्मी जी को पूजन किया जाता है, उन्हें निवेद्य दिखाया जाता है, लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर बिठाया जाता है। हर तरह से हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर कास्ट में अलग अलग तरीके से माता जी की पूजा की जाती है, लेकिन जो भारतवर्ष में पूजा की जाती है, तकरीबन सब पूजा का एक ही सबको फल मिलता है। इसलिए जो भी पूजा करें माता जी की, आप मन से करें। इस स्वार्थ से पूजा ना करें कि हमें कुछ चाहिए, कि भगवान से आपने मांग लिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे मेरा घर मिल जाए, मैं घर खरीद लूं, या बैंक में इतने अकाउंट में मेरे पैसे बैलेंस रहें। बहुत सोचते हैं लोग, लेकिन उस लालच से पूजा मत कीजिए। अगर आपने सच्चे दिल से पूजा की माता लक्ष्मी की, माता जरूर प्रसन्न होगी। अगले दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, इस तरह दिवाली मनाते हैं। आज मैं आप लोगों को दीपावली में कुछ खास ऐसे उपाय बताऊंगी कि जिससे वो उपाय करके आप साल भर आपको उसका फल मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दीपावली में आपको क्या नहीं करना है। कुछ कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो दीपावली में हमें उसका उपाय करके हमें फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी गलतियों की वजह से उन्हें नुकसान भी हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय आप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम अपने उपायों की तरफ चलते हैं। आपको दीपावली के दिन 9 किलो गेहूं लेना है और गेहूं को आप विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में डोनेट करना है और वहां आपको 4 मुखी दीपक लगाना है। जो दीपक लगाओगे उसमें आपको तेल डालना है, तेल का दीपक वहां प्रज्वलित होगा। दीपावली के दिन आपको दरवाजे पर स्वास्तिक निकालना है। स्वास्तिक आपको रोली का नहीं निकालना है, जो मैं आपको बताऊंगी उस प्रकार से आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाते समय चावल का आटा लेना है, उसमें इत्र डालना है और 1 चम्मच दूध डालना है और रोज वाटर डालना है। ये मिक्स करके, और हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है। ये मिक्स करके आपको उसका घोल बनाकर उसका आपको स्वास्तिक निकालना है। यह स्वास्तिक बनाने से आपको साल भर उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। और दरवाजे के अपने अंदर साइड और बाहर साइड दोनों जगह हम गणपति लगाते हैं। उस दिन गणपति जी को वहीं क्लीन करके, नीचे नहीं उतारना है, वहीं क्लीन करके आपको उनको नया हार चढ़ाना है और वहाँ दोनों साइड दीपक लगाना है।
और मेन आपको बताना चाहूंगी कि इस दिन आपको फिटकरी घर में लेकर आनी है। फिटकरी काफी लेकर आइएगा आप, इतना मतलब इतना पीस होना चाहिए, इतना बड़ा पीस लेकर आप उसको ब्लैक कपड़े में बांध कर दरवाजे के ऊपर रखेंगे। अगर आपने पुराना पीस वहां रखा हुआ है फिटकरी का, उसे आप पानी में विसर्जित कर दीजिए, लेकिन ये फिटकरी आपको ब्लैक कपड़े में बांध कर दरवाजे के ऊपर रखना है। साल भर वैसे ही फिटकरी पड़ी रहे, इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, जो बाहर से हमारे घर में काफी लोग आते हैं, पहचान वाले बिना पहचान वाले भी आते हैं, उनकी नजर कैसी है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए आप वहां फिटकरी रखोगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। दीपावली के दिन आप घर में मनी प्लांट जरूर लगाइए। ऑलरेडी आपके घर में मनी प्लांट होगा, लेकिन इस दिन खास आपको मनी प्लांट लाना है, और साथ में बैम्बू प्लांट भी आप ला सकते हैं, वो आप अपने घर में जरूर लगाइए, या किसी फैमिली में आपको गिफ्ट देना है मनी प्लांट या बैम्बू प्लांट दीजिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, खासकर दिवाली के समय। और आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे खराब हो चुके हैं म्यूजिक सिस्टम या ट्यूबलाइट खराब हो गई है, कुछ भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको आपको दुरुस्त करवा के रखना है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, आपने वैसे ही घर में जमा करके रखा है कि नहीं चलो आज नहीं तो कल हम ठीक करवा लेंगे, लेकिन दीपावली के पहले वो सब आप ठीक करवा लीजिए। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, उसे फेंकना है, तो दिल बड़ा कीजिए, फेंक दीजिए, या किसी ज़रूरतमंद को देना है उनको दे सकते हैं आप, लेकिन वो चीज़ें आप घर में जो बंद है, वर्क नहीं कर रही है, उसे आप घर से निकाल दीजिए। इस दिन आपको दरवाजे पे जो हम बंदरवार लगाते हैं तोरण, वो आपको चेंज करना है, वही आप वॉश करके मत लगाइए, साल में एक ही बार चेंज करना होता है, इसलिए आप उस दिन नया तोरण घर में लगाइए। और लॉकर में, घर के लॉकर में आपको एक मिरर रखना है, राउंड शेप में रखिएगा, लेकिन वो न्यू लेकर आइए। यदि आप पहले से ही आपके लॉकर में मिरर रखा हुआ है तो वो चेंज कर दीजिए, उसके जगह आप न्यू मिरर रखें। दीपावली के दिन अपने पूर्वज को ज़रूर याद कीजिए, ये बहुत ही कारगर उपाय है। उस दिन आप कुछ रुपए या कपड़े किसी गरीब को दान ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूर याद कीजिए। और जो काफ़ी लोगों का अपना घर नहीं है, वो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, लेकिन उनका घर नहीं बन पा रहा है, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वो घर खरीद नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको मैं खास उपाय बताऊंगी जो दिवाली के समय ही किया जाता है। आप क्या कीजिए, दीपावली के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाइए, और उस दिन आपको गुड़ लेना है, गुड़ लेके गाय को खिलाना है, और फिर आपको उसी साल, जैसे आज आपने ये दिवाली के समय आपने किया, तो ये दिवाली से लेके आपको अगली दिवाली तक हर फ्राइडे के दिन गरीब व्यक्ति को भोजन करवाना है और गाय को गुड़ खिलाना है। आप खुद महसूस करेंगे एक साल के अंदर आपका खुद का अपना घर हो गया है, लेकिन आपको ये बीच में ब्रेक नहीं करना है, ये आपको कंटिन्यू करना है। आप देख लेना एक साल के अंदर आपका घर हो जाएगा, लेकिन जो भी करोगे सच्चे दिल से करना, अपने मन से करना, आपको उपाय करना है वो सोच के मत कीजिए। जो मैंने सब आपको आज टिप्स बताए, ये दीपावली के दिन आपको उपाय करने हैं। अभी मैं आपको वो बताऊंगी कि जो आपको नहीं करना है। दीपावली के दिन घर में झगड़े बिल्कुल नहीं करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, छोटों को प्यार देना है, और खाने का अनादर नहीं करना है। काफ़ी लोगों के घर में झगड़े होते हैं, जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि खास उनके घर में दीपावली के दिन ही झगड़े होते हैं और खाने का अनादर करते हैं, खाने की थाली पर से उठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उस दिन लक्ष्मी जी का वेलकम करना है। हम कमाते किस लिए हैं, खाने के लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कमाते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए दीपावली के दिन ऐसा कुछ ना करें जिसे लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएं। और मेन आपको जो दीपावली में आपको दिए जलाने हैं, वो आपको न्यू लेके ही जलाने हैं, पुराने दिए नहीं जलाने हैं, ये ठीक नहीं होगा। जो भी पुराने दिए होंगे आप उसको पानी में विसर्जित कर दीजिए, लेकिन वो यूज़ बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ जो हम रंगोली निकालते हैं, वो भी आपको पुराने यूज़ नहीं करनी है, गुलाल सब कलर्स पिछले साल का बचा हुआ बिल्कुल ना यूज़ करें, न्यू फ्रेश लेकर आएँ। साल में एक ही दिन तो अच्छे से रंगोली बनानी होती है,
छोटे छोटे त्योहार तो बीच में आते हैं, हम रंगोली निकालते हैं, लेकिन दीपावली तो कुछ एकदम खास त्योहार है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो आप अपनी जिंदगी में उतारिए और उसका लाभ लीजिए। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है आप अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए और ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सबको दीपावली की शुभेच्छाएँ। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।